लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद से ही बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ गए। कुछ कहने लगे कि योगी की कुर्सी जाने वाली है, कुछ कहने लगे कि योगी का पावर कम होने वाला है, लेकिन सीएम योगी भी राजनीति के गजब खिलाड़ी। महीने दो महीने से चल रहा सारा एजेंडा सीएम योगी ने पिछले दो तीन दिन में ध्वस्त कर दिया। आज यूपी की विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और सीएम योगी की बॉडी लैंग्वेज देखकर पूरी तरह से हर तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि उस बॉडी लैंग्वेज में एक रिलैक्स भाव दिख रहा था। आप तस्वीर देखिए, वो विपक्ष की राजनीति का करारा जवाब दे रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में दो दिन चले मंथन के बाद यह क्लियर सिग्नल मिल गया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कायम है, यह मैसेज क्लियर चला गया। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि ना सरकार बड़ी है, ना संगठन बड़ा है, पार्टी सबसे बड़ी है और यूपी में बॉस योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ दिल्ली से रिटर्न गिफ्ट लेकर वापस लखनऊ गए, जिसकी झलक आज उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ नजर आ रही थी। आज यूपी विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन तय समय पर सदन पहुंचने वाले सीएम योगी आज 5 मिनट पहले ही सदन में पहुंच गए। सीधे अपनी सीट पर बैठने की बजाय योगी आदित्यनाथ विधायकों की तरफ पहुंच गए, और चाहे वो बीजेपी के विधायक हो, मंत्री हो या फिर विपक्ष के विधायक, इस दौरान योगी आदित्यनाथ लगातार मुस्कुराते हुए नजर आए। ऐसा लगा जैसे ये किसी जीत की मुस्कुराहट। अच्छा, इतना ही नहीं, इस दौरान विधायकों के बीच सीएम योगी जब पहुंचे तो योगी के पैर छूने की होड़ लग गई, और इधर क्या उधर क्या, विपक्ष क्या और सत्ता पक्ष क्या, सारे लोग योगी के पैर छू रहे हैं। तो जो लोग ये बता रहे थे कि यहां दिल्ली का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ को नहीं मिल रहा, वही लोग योगी का आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में लग गए। इसमें कुछ सपा के भी लोग थे, कहा जा रहा है। आप तस्वीर देखिए, योगी चल रहे हैं, मस्त हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वहां सारे विधायक झुक झुक के पैर छू रहे हैं। तो जो लोग दावा कर रहे थे कि योगी के पैरों के नीचे से जमीन खींची जा रही है, वही लोग आज योगी के पैरों में थे, उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। यह है योगी आदित्यनाथ का जलवा जो आज दिखा विधानसभा में। बीजेपी ही नहीं, विपक्ष के विधायक भी सीएम योगी के पैर छूते नजर आए, और हैरानी की बात तो यह रही कि योगी आदित्यनाथ के पैर छूने वाले विधायकों में कई समाजवादी पार्टी के विधायक भी शामिल रहे। ये देखिए बॉस, कैसे लोग पैर छू छू के आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। अब जरा एक और तस्वीर देखिए, विधानसभा के अंदर राजा भैया भी सीएम योगी के पैर छूते नजर आए। देखिए तस्वीर, ये राजा भैया की तस्वीर है। राजा भैया पूरा झुक के, कुंडा सीट से विधायक हैं, पूरा झुक के योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लिए, और इनका राजा भैया का कुंडा और आसपास के इलाकों में काफी दबदबा रहता है। इतना ही नहीं, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के बयानों पर हमेशा गंभीर दिखने वाले योगी आदित्यनाथ आज चर्चा के दौरान भी कई बार हंसते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज में आए बदलाव को भी देखिए, फिर आपको बताऊंगा दिल्ली से लौटते ही किस तरह एक्शन मोड में आ चुके हैं योगी आदित्यनाथ। चाहते हैं इस बार होली पर आप हमारे शाहजहांपुर में जरूर आए। ये तो पूरे हाउस के महबूब है, ये तो बहुत पुराने हैं। अरे सर, सफेद नहीं, आप क्यों नाराज हो रहे हो? बहुत तजुर्बा है। कि मुफ्त में शेर सुनाने के मैं नहीं कायल, एक कप चाय पिलाओ तो गजल अर्ज करूं। यानी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और जिनका एजेंडा चल रहा था वो एजेंडा खत्म हो गया। सीएम योगी के सामने चैलेंजेस वैसे बहुत हैं, लेकिन वो हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। वो झुकने वालों में से नहीं है, और ये बात उनके विरोधी भी जानते हैं, फिर चाहे विरोधी कितने ही हमले करते हैं। सबसे पहले योगी के विरोध में यह माहौल बनाया गया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहकर योगी को चैलेंज कर दिया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। अखिलेश यादव तो यह कहने लगे कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा है और यह दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। यानी इंडी गठबंधन लगातार यही भ्रम फैलाने में जुटा रहा कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, जो कि यूपी में बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा है और यूपी की कुल आबादी में ओबीसी 40% से ज्यादा है। अखिलेश यादव की राजनीति भी इस वक्त पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर है। इसलिए दिल्ली से लौटते ही योगी आदित्यनाथ ने खुद ओबीसी वर्ग को साधने के लिए मोर्चा संभाल लिया। आज लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और उन्होंने ओबीसी समाज की तुलना बजरंग बली से कर दी। योगी आदित्यनाथ ने इशारों इशारों में इंडी गठबंधन की तुलना रावण से भी कर दी।
और सीएम योगी ने कहा कि अगर बजरंग बली की तरह ओबीसी समाज ने अपनी ताकत को पहचान लिया तो उसे हिंदू समाज को तोड़ने में लगे रावण की लंका का दहन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सुनिए एक बार योगी आदित्यनाथ को, फिर आपको बताऊंगा उपचुनाव में जीत के लिए योगी ने बीजेपी नेताओं को क्या मंत्र दिया। आप में इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है, बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है, उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राणपण से जुटना है। अब दिल्ली में मंथन के बाद यूपी बीजेपी में आए बदलाव की एक और तस्वीर देखी। यूपी में विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले आज लखनऊ में विधानमंडल दल की बैठक। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगल बगल में बैठे हुए नजर आए। इसके साथ ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मंच पर नजर आए। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अपने मंत्रियों और विधायकों के लिए यूपी में होने वाले उपचुनाव, सोशल मीडिया और विधानसभा सत्र के लिए जरूरी निर्देश भी जारी किए। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष की तरफ से सारी लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही, विपक्ष ने पूरा भ्रम इसी प्लेटफॉर्म पर फैलाया। आगे योगी ने अपने सभी मंत्रियों और विधायकों से विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम से निपटने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए कहा। इसके साथ ही सीएम योगी ने मानसून सत्र के दौरान सभी विधायकों से समय पर आने और पूरे समय मौजूद रहने के लिए कहा। बैठक में सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया कि विधानसभा में जनता से जुड़े विषयों पर बात होगी और विपक्ष के हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। आगे सीएम योगी ने सभी मंत्रियों और विधायकों से 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए जुट जाने के लिए भी कहा। बाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में भी सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को इंडी गठबंधन की भ्रम फैलाने वाली राजनीति से अलर्ट रहने की नसीहत दी। सुनिए एक बार। ये लोग जाति के नाम पर आपको लड़ाने की किसी भी कुत्सित मंशा से सदैव किसी न किसी षड्यंत्र में और उस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त रहेंगे, और इसके लिए इन्होंने सबसे बड़ा औजार के रूप में इस्तेमाल किया है अपने स्मार्टफोन को। स्मार्टफोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और उसके माध्यम से झूठे वक्तव्यों को निकाल करके, झूठी जातियां और झूठे शेयर करके इन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्रों को आज अंजाम देना प्रारंभ किया है कि पूरा समाज एक दूसरे को दुश्मनी भरी निगाहों से देखने की स्थिति में पैदा हो। इस प्रकार के षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, इसलिए इनसे सावधान बनने की आवश्यकता है। अच्छा, आप ये भी देखिए कि भ्रम की राजनीति को लेकर जब इंडी गठबंधन की कोई पैंतरेबाजी काम नहीं आई तो भी वो फेक नैरेटिव फैलाने की अपनी आदत से बाज नहीं आया। दिल्ली में जब बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद फोटो सेशन की बारी आई तो कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच दूरी दिखाने के लिए एक फेक वीडियो जारी किया। इस तस्वीर को देखिए, इसमें प्रधानमंत्री मोदी फोटो सेशन के लिए आते हुए दिख रहे हैं, वहां खड़े दूसरे मुख्यमंत्री उन्हें हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़ते हुए नजर नहीं आए, ये कहा गया। इसी आधे अधूरे वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अच्छा तो अब नमस्ते प्रणाम भी बंद हो गया। लेकिन कुछ ही देर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के झूठ का पर्दाफाश हो गया। बीजेपी ने इस इवेंट का से जुड़ा एक और वीडियो जारी किया जिसमें योगी आदित्यनाथ आप देखिए हाथ जोड़े हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री और वहां खड़े मुख्यमंत्री एक दूसरे को हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं, यानी जब वहां प्रधानमंत्री पहुंचे उसके पहले देखिए योगी आदित्यनाथ ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और जब पीएम एकदम बगल में थे तब तक उन्होंने हाथ नीचे कर लिया था, बस उतना काट के छांट के और सोशल मीडिया पे फैलाना शुरू कर दिया गया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले की हवा निकालने में जुटे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का एक दाम उनके पीडीएफ फॉर्मूले के लिए खुद ही मुसीबत बन गया। अखिलेश के इस दाव के बाद उन पर पीडीए को धोखा देने का आरोप लग रहा है। असल में अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में शामिल रहे माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष नियुक्त करने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि अखिलेश ने इस फैसले के जरिए ब्राह्मण कार्ड खेला है, लेकिन उनके इस फैसले से समाजवादी पार्टी के वो नेता मायूस हो गए जो खुद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे।
और सवाल उठने लगे कि जो अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करने का दावा करते नहीं थक रहे थे, अचानक उनके एजेंडे में अगड़े कैसे आ गए भाई? उन्होंने किसी पिछड़े को क्यों नहीं बनाया नेता प्रतिपक्ष? तो ये सवाल उठ रहा है।